हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो दिन कोई भूल नहीं सकता। नांगलोई में रहने वाले राजीव और उसकी बीवी रेखा में बहुत प्यार था। रेखा ने मायके जाना था और दो दिन के बाद लौटने का कहकर गई थी, लेकिन उसे रास्ते में बहुत बुरे ख्याल आने लगे, राजीव की याद आने लगी। तभी रेखा उसी दिन घर वापस लौट आई। उसने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई, क्योंकि रेखा की आंखों के सामने उसका प्यार राजीव किसी और की बाहों में था। और दुख इस बात का था कि वो बहुत खुश था और राजीव को भनक तक नहीं लगी कि रेखा वहां मौजूद है। दरवाजा खुला था और रेखा सब देख रही थी। रेखा ने एक शब्द तक नहीं कहा और चुपचाप अपने मायके की ओर वापस चली गई और दो दिन वहां रहकर आई। किसी को शक नहीं होने दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। घर लौटकर भी उसने राजीव को कुछ नहीं कहा और नॉर्मल रहने लगी। एक दिन रेखा ने राजीव के घर लौटने के बाद उसके पसंद का खाना बनाया और दोनों सोने चले गए। सोते सोते जब राजीव ने करवट बदली तो उसे अपने आप से कुछ टकराता हुआ महसूस हुआ। तो उसने आंखें खोली और लाइट जगाई और ऊपर देखा कि रेखा की लाश लटक रही थी और उसके पैर राजीव से टकरा रहे थे। ये देख राजीव को झटका तो बहुत गहरा लगा, लेकिन मन ही मन में वो बहुत खुश भी था। और ठीक एक महीने बाद राजीव ने दूसरी शादी करवा ली थी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा चल नहीं पाई। पहले के 4-5 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन तकरीबन 10 दिन बाद जब राजीव और उसकी बीवी किसी को दिखाई नहीं दिए और घर में से बहुत गंदी बदबू भी आने लगी, तो लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे। इसी चक्कर में लोगों ने पुलिस को फोन भी कर दिया और बाद में ये पता लगा कि अंदर के ऋषि और उसकी दूसरी बीवी की लाश उस घर में थी। उस दिन के बाद से ये नांगलोई का मकान एक खंडर बना हुआ है। कई लोगों ने उस जमीन को लेने की कोशिश की, लेकिन मकान खरीदते ही कुछ ना कुछ अनहोनी होने लगी। मकान लेने वाले के साथ भी कोई लिहाज नहीं हुआ। घर की एक भी ईंट कोई तोड़ नहीं पाया। पिंकू और चिंटू खेलते कूदते इस खंडर में आ पहुंचे और इस खंडर के कोने में दुपक कर बैठ गए। अभी वो बैठे ही थे कि घर के ऊपर वाली मंजिल से उन्हें ऊपर टेबल खिसकाने की आवाज आई। दोनों ऊपर के फ्लोर पर गए और देखा कि पीछे वाले कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर से एक बारीक रोशनी की लकीर बाहर को आ रही थी। पास जाकर खुले दरवाजे के अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि कोने में रखी लालटेन जल रही थी। उन्हें लालटेन तो दिखी पर कमरे में और कुछ नहीं दिख रहा था। दोनों कमरे में गए और पिंकू ने लालटेन को उठाया। लालटेन का हैंडल इतना गर्म था कि पिंटू के हाथ से लालटेन गिर गया और उसका तेल उछल कर सारी जमीन पर फैल गया और उसमें आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पता ही नहीं चला कि कब अचानक हर जगह फैल गई। पिंकू और चिंटू फटाफट से आग से पीछे हटे तो उन्होंने देखा उस आग में से एक आदमी और औरत की चीखें निकल रही हैं। और जब ध्यान से उन्होंने देखा तो एक आदमी और औरत कुर्सियों से बंधे हुए उस आग में जल रहे थे और जोर जोर से चीख रहे थे। पिंकू और चिंटू ये देख वहां जमे के जमे रह गए। वहां इतनी गर्मी थी, लेकिन फिर भी दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दोनों ने खुद को संभाला
और वहां से उल्टे पैर भागे। कमरे से बाहर आते ही उन्होंने इधर उधर देखा पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पर वो चीखने की आवाजें लगातार आ रही थी और अब दोनों को किसी के उनके पास आने की आहट और आवाज भी आने लगी थी। वो आवाज उनके बिल्कुल पास आ गई और उनके पास से होते हुए ऊपर के फ्लोर पर चली गई और वहां पहुंचते ही किसी और के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो राजीव, मैं जानती हूँ तुम उसी चुड़ैल के साथ हो, खोलो दरवाजा राजीव खोलो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। पिंकू और चिंटू नीचे खड़े ये आवाजें सुन रहे थे। उन्होंने साफ सुना कि उस औरत के चिल्लाने के बाद एक दरवाजा जोर से खुला और फिर जोर से बंद भी हुआ। फिर एक दरवाजा खुला और उसमें से कोई दौड़ता हुआ आया। नहीं रेखा रुको, रेखा रुको, सुनो मुझे माफ कर दो, दरवाजा खोलो रेखा, सुनो मुझे माफ कर दो रेखा। इतनी आवाजें आने के बाद एकदम शांति हो गई, सब जगह सन्नाटा सा हो गया। पिंकू ने चिंटू को देखा और सोचा कि जब इतना कुछ हो रहा है तो अब देख ही लेते हैं कि आखिर कमरे में है क्या। दोनों धीरे धीरे ऊपर की ओर गए तो देखा एक कमरे का दरवाजा खुला था और धीरे धीरे आगे पीछे हो रहा था। दोनों कमरे के अंदर गए, दोनों बहुत घबराए हुए थे। अंदर देखा तो एक औरत की लाश पंखे से लटकी हुई थी। ये देख दोनों सुन रह गए, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो लाश दोनों देख ही रहे थे कि तभी उस औरत की आंखें खुल गईं और वो औरत एकदम गुस्से से भरी आंखों से दोनों को देख रही थी कि जैसे अभी पिंकू और चिंटू को जला देगी। ये देख दोनों घबराते हुए वहां से भागे। भागने में पिंकू तो कामयाब रहा लेकिन चिंटू पीछे रह गया और फिर आई एकदम चिंटू की चीख। ये सुन पिंकू पीछे पलटा तो उसने देखा कि चिंटू को किसी ने हवा में उठा रखा है और चिंटू का गला इतनी जोर से दबा रखा है कि उसे सांस ही नहीं आ रही थी। फिर चिंटू को इतनी तेज हवा में उड़ाकर खिड़की का कांच तोड़ते हुए बाहर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। पिंकू फटाफट खिड़की की ओर भागा तो देखा चिंटू नीचे खून से लथपथ गिरा हुआ था, मानो जैसे गिरते ही उसकी मौत हो गई हो। ये देख पिंकू बहुत डर गया। अब उसे अपनी मौत का डर था। अब वो पीछे मुड़ फिर भागा। अब वो चारों ओर से घिर चुका था। हड़बड़ाते हुए उसने ऊपर की ओर देखा तो उसने पाया कि पंखे से उसी औरत की लाश लटक रही थी और अब वो औरत वहां से उतरकर उसकी ओर आने लगी थी। पिंकू की आंखों से आंसू बहने लगे, अब उसकी धड़कन भी तेज होने लगी थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली